मैं अब ऑलमोस्ट 10 डेज से MI का नेक बैंड प्रो यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इस नेक बैंड के बारे में कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ चीज़ें बहुत बेकार भी लगी। ये आपको मिलता है 1800 रुपये में और इसमें आपको ANC मिलता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। प्रॉबली ये सबसे सस्ते ईयरफोन्स होंगे जहाँ आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है। तो मेरा नाम है KF, आप देख रहे हैं NoiseTech। इस वीडियो में रिव्यू किया जाए MI नेक बैंड प्रो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉक्स कंटेंट्स। सो इसके बॉक्स में आपको ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, आपको ये आपका नेक बैंड मिल जाएगा, उसके बाद आपको आपकी मैनुअल मिल जाएगी, बड्स मिलेंगे और एक माइक्रो USB केबल मिलेगा। सबसे बड़ा डाउनफॉल, माइक्रो USB केबल। टाइप सी का ज़माना आ गया है, 1800 रुपये का ईयरफोन है, फिर भी यहाँ पर आपको माइक्रो USB मिल रहा है। अब आता है डिज़ाइन पर। सो डिज़ाइन इस नेक बैंड का डिसेंट है। यहाँ पर आपको सिलिकॉन मिलता है जो अच्छा क्वालिटी का है, डिफॉर्म नहीं होता है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। उसके बाद अगर हम साइड्स पर आए तो लेफ्ट साइड पर आपको पूरे बटन कंट्रोल्स मिलेंगे, राइट साइड खाली है, सिर्फ MI का ब्रांडिंग मिलेगा। अगर हम दोनों साइड्स की बात करें तो ऊपर आपको मैट फिनिश तो मिल जाता है, बट अगर पीछे की बात करें तो पूरा ये ग्लॉसी है और यहाँ पे आपको ANC का बटन भी मिल जाता है। मुझे ये ऐसा लगा कि पूरा मैट रखते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता था, ग्लॉसी में फिंगरप्रिंट्स ये सब भी ज़्यादा दिख कर आएंगे। और अगर मैं इस केबल की बात करूँ तो ये केबल का क्वालिटी भी मुझे इतना पसंद नहीं आया है, बहुत पतला केबल लगा मुझे ये। यहाँ पे कोई ऐसे सपोर्ट भी नहीं है, ये बहुत जल्द टूट भी सकता है, इसलिए मुझे इस केबल का क्वालिटी इतना पसंद नहीं आया। डिज़ाइन वाइज नेक बैंड ठीक है, पर मेरे हिसाब से इसमें कुछ फ्लॉज है, जैसे ये ग्लॉसी नहीं होना था, उसके बाद ये केबल क्वालिटी पतला है। अब आते हैं बड्स पर। तो भाई बड्स की बात करो तो बड्स आपको प्लास्टिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, उसी जगह यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव मिलता है। बेसिकली यहाँ पर आपका मैग्नेट है, दोनों ही बड्स को आप मैग्नेट से अटैच कर सकते हो, बट मैग्नेट का क्वालिटी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना ज़्यादा मैग्नेट। प्लस इसमें कोई मैग्नेटिक फीचर भी नहीं है, जैसे म्यूज़िक प्ले पॉज होगा या आपके फ़ोन से कनेक्ट या डिसकनेक्ट होगा जब हम इसके चिपकाते हैं, तो ये चीज़ भी मुझे इतनी खास लगी नहीं। और अगर हम कम्फर्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छे है कम्फर्ट के मामले में, ईजिली आप इन्हें पहन के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनका वेट भी काफ़ी कम है, इसीलिए आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, आप अच्छा खासा इन्हें लंबे लंबे टाइम तक पहन के रख सकते हो। सो कंफर्ट के मामले में ये काफ़ी अच्छे हैं। अब आते हैं साउंड क्वालिटी। सो भाई इस नेक बैंड का साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है। यहाँ पे आपको 10 mm का ड्राइवर मिलेगा जहाँ पे आपका साउंड आइसोलेशन अच्छा खासा है, बिकॉज ये अच्छे से टाइट फिट बैठ जाता है आपके कान में। यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेस देखने को मिल जाता है, ट्रेबल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम आती है वोकल्स में, क्योंकि बेस बढ़ जाता है, ट्रेबल्स बढ़ जाता है, आपके वोकल्स दबना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली हाईज एंड लोस फ्रीक्वेंसी तो अच्छे हैं, बट मिड फ्रीक्वेंसीज जो है, जो वोकल्स है वो दब रहे हैं। सो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा ये नेक बैंड इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट ये सब पे अच्छा काम कर रहा है, बट मेनली वोकल्स जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं ANC। ANC इस नेक बैंड का यूजलेस है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये ऑन हो या ऑफ हो। ANC का बटन दबाओगे तो कुछ भी मारियो जैसा साउंड आ जाएगा, और जो ठीक है ANC मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, इसलिए मैं इसको लेकर थोड़ा सा सरप्राइज था, भाई 1800 में ANC कैसे दे दिया। बट सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू यूजलेस है इसका ANC। मुझे ANC का क्वालिटी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, एक्चुअली बहुत कम पसंद आया। ऐसे लग रहा है कि ये हार्डली कोई नॉइस को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक ठाक है, क्योंकि इसका साउंड अच्छा है, बेस वेस ज़्यादा जाता है तो मैक्सिमम साउंड कैंसिल हो जाता है, बाकी इसका ANC इतना कोई खास ऐसे काम नहीं कर रहा है। सो ये ANC के लिए तो नहीं है। अब आते हैं बटन कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पर, प्लस माइनस बटन है आपका वॉल्यूम कंट्रोल्स के, और अगर उनको होल्ड करके रखोगे तो आपका म्यूज़िक ट्रैक नेक्स्ट जाएगा और प्रीवियस आएगा। यहाँ पे आपको पावर बटन मिलेगा जो आपका प्ले पॉज का भी काम करता है, 2 बार प्रेस किया तो वॉइस असिस्टेंट गूगल या सीरी उसको कॉल कर देगा, तो यहाँ पे काम डिसेंट हो रहा है। पीछे ANC का बटन है जो बेसिकली यूजलेस है। उसके बाद अब आते हैं माइक क्वालिटी। सो माइक क्वालिटी मुझे इस प्रोडक्ट का डिसेंट लगा है। मैं एक नॉर्मल आइसोलेटेड खाली रूम में बैठा था, स्टूडियो में बेसिकली, कॉल्स पे बात की, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाहर बात की, बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं हुआ, बट हल्का फुल्का प्रॉब्लम था। ENC यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, बट इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। आप अगर बाइक चला रहे हो तो आपको माइक के इशूज़ आएंगे, बाइक पे माइक इतना अच्छा काम नहीं करता है। अगर हम बात करें IP रेटिंग, यहाँ पे आपको मिलता है IPX5, जो डिसेंट है मेरे हिसाब से, आप वर्कआउट कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो, इतना इशू नहीं होगा। अब फाइनली आते हैं बैटरी लाइफ। सो ये बैटरी लाइफ MI क्लेम कर रहा है आपको 10 से 12 घंटे, ANC के साथ ऑलमोस्ट 10 घंटे, ANC चलता है नहीं, पर हमने टेस्ट किया, हमें 9 से 11 घंटे का बैटरी लाइफ इसमें देखने मिला है। सो बैटरी लाइफ आपको ओप्पो के इनको M31 में भी आपको इतनी ही बैटरी लाइफ देखने को मिलती है 10-12 घंटे की,
और वहाँ पे आपको LDAC सपोर्ट मिलता है, बेस बूस्ट मोड मिलता है जिसका बेस इससे ज़्यादा है। LDAC में साउंड क्वालिटी बहुत इंप्रूव होता है। उसके बाद OnePlus के वायरलेस ही 20 आवर्स का बैटरी लाइफ देता है, ये तो उतना दे भी नहीं रहा है, प्लस बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी दे रहा है। ये बिल्ड क्वालिटी, ये वायर का केबल क्वालिटी बहुत अच्छा है OnePlus का। बोट के रॉकर्स 335 है, 255 प्रो प्लस है, 30 घंटा 40 घंटे का बैटरी लाइफ दे रहा है। सो ये ना ही बैटरी लाइफ में एक्सेल कर रहा है, ना ही डिज़ाइन में एक्सेल कर रहा है, ना ही ये साउंड में एक्सेल कर रहा है। टच कंट्रोल्स बेसिक वाले आपको मिल जाते हैं, क्विक स्विच जैसा कोई फीचर नहीं मिल रहा है। बैटरी आपको नॉर्मल मिल रही है, पर यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे आपको माइक क्वालिटी भी डिसेंट देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से ये 1800 रुपये वर्थ नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको बोलूँगा ये प्रोडक्ट मत लो, आपका पैसा वेस्ट है। इससे अच्छा आप बोट के 255 प्रो प्लस ले लो। अगर आपको उस प्रोडक्ट पर डाउट है तो बोट के 335 है जो डिसेंट है। उसके बाद OnePlus के वायरलेस ये है, ओप्पो का इनको M31 है जो मेरे लिए दो एक प्राइम प्रोडक्ट्स है 2000 के अंदर जो बहुत क्लास है। अगर आपको ये प्रोडक्ट या OnePlus वायरलेस ये, ओप्पो का नेक बैंड, बोट के रॉकर्स 255 प्रो प्लस या 335 जो भी बाय करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको उन नेक बैंड की वीडियोस भी देखनी है तो वो वीडियोस भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि भाई बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।